हाय एवरीवन, माय नेम इज सूरज एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ट्रिपो गाइड। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के एक ऐसे अमेजिंग पार्क में जो आपको देता है इंटरनेशनल फीलिंग, साथ में है उसका बॉलीवुड कनेक्शन भी। ज़्यादा इंतजार ना कराते हुए आपको बताते हैं, हम आज आपको लेकर आए हैं दिल्ली के वेस्ट वंडर पार्क में। इसके साथ साथ आपको हम बताएंगे यहाँ पर कितने का टिकट है, किस टाइमिंग पे आपको आना चाहिए और क्या स्पेशल है इस जगह के बारे में। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज यही अप्रिशिएशन और मोटिवेशन होता है हमारे लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साइड में उसका एक बेल आइकॉन होता है, उसको भी जरूर हिट कर दीजिए ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं पार्क के अंदर, आपको दिखाते हैं क्या अमेजिंग चीज़ें हैं इस पार्क में। वेस्ट वंडर पार्क सिचुएटेड है सराय काले खां रोड पर। यहाँ पर आने के लिए अगर आप मेट्रो से आते हैं तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको पड़ता है हज़रत निज़ामुद्दीन, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पर है। अगर आप खुद के व्हीकल से आते हैं तो आप गूगल मैप की मदद ले सकते हैं, ये बिल्कुल मेन रोड पर है। यहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है और एक नॉमिनल चार्ज जो सब जगह आपको दिल्ली में देने पड़ते हैं, वहीं आपको यहाँ पर भी देने पड़ते हैं। टिकट्स की अगर बात करें तो एडल्ट्स के लिए ट्यूसडे टू सैटरडे है 50 रुपये, बच्चों के टिकट के लिए है 25 रुपये, 3 से 12 एज उनको ग्रुप करा गया है। ट्यूसडे टू सैटरडे 25 रुपये है और संडे को 50 रुपये है। इसी तरह एमसीडी की स्कूल के अगर बच्चे हैं तो उनके लिए फ्री है। और ये रहे डिटेल्स। वेस्ट वंडर पार्क का जो बॉलीवुड कनेक्शन है वो ये है कि ये पार्क इंस्पायर्ड है बद्रीनाथ की दुल्हनिया मूवी में, जिस पार्क को दिखाया गया था उस पार्क से इंस्पायर्ड होकर ये पार्क को SDMC ने बनाया है, जिसकी टोटल लागत जो लगी इसे बनाने में 7.5 करोड़ रुपये। वर्ल्ड के 7 वंडर्स को यहाँ पर रेप्लिका बनाया गया है, वो भी वेस्ट की मदद से, यानी कि साइकिल चेन, हैंडल्स, कार्ड्स, इन सब को रिसाइकल करके ये सारे रेप्लिकास बनाए गए हैं। हर स्टैचू, हर रेप्लिका के पास में एक इनका चार्ट बनाया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि कितने मटेरियल, वेस्ट मटेरियल से ये बना है, इसकी वेट, इसकी हाइट, ये सब आप देख सकते हैं। पार्क में अगर जाने की बात करें तो आपको ऐसा टाइम सेलेक्ट करना चाहिए ताकि आप इसे डे लाइट और नाइट लाइट में भी देख सकें, यानी कि इसको आप सनराइज यानी सनलाइट में भी देख सके और सनसेट होने के बाद जब लाइटिंग इफेक्ट के साथ आता है तब भी इसको देख सके, ताकि आप दोनों व्यू का मजा ले सके। मैंने दोनों व्यू कैप्चर करे हैं ताकि आप इनको देख लें। डिटेल में आपको मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि जब आप खुद आएँ, इसको देखें, आप इन्फॉर्मेशन पढ़ें, आपको बहुत मज़ा आएगा। SDMC क्लेम करता है कि ये पूरी दुनिया में अपनी तरह का एक अकेला पार्क है। कंप्लीट पार्क के बारे में अगर बात करें तो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है, स्पॉट्स अच्छे से बनाए गए हैं, आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप वीकेंड पर अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ जाते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं। तो दोस्तों ये था दिल्ली का वेस्ट वंडर पार्क, मुझे घूम के बहुत मज़ा आया। होप करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा आपको क्या वीडियो में अच्छा लगा और क्या नहीं। दोस्तों अगर आप फूड ब्लॉगिंग को पसंद करते हैं, म्यूजिक को पसंद करते हैं, तो आप हमारे फेलो यूट्यूबर को फॉलो कर सकते हैं www.youtube.com/jpbajaj पर, नीचे लिंक दे दिया है, आई बटन पर भी दे दिया है। आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे आपको हमें एक कमाल का ट्रैवल वीडियो लेके। तब तक के लिए हैव अ सेफ वीकेंड।